ननिहाल से जब मायके चली मां नंदा, तब आशीर्वाद के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। 6 माह तक अपने ननिहाल में रही मां की डोली चली मायके। आस्था के रथ पर सवार लोगों ने लगाए जयकारे। मां नंदा की डोली 21 पड़ावों को करेगी पार। 12 जनवरी को सिद्धपीठ करुड़ में विराजमान होगी। मां नंदा चल पड़ी है मायके। उत्साह तो है लेकिन एक खालीपन सबकी आंखों में है। झूम तो सब रहे हैं लेकिन उनकी डोली उठने के साथ ही लोगों के दिल में फिर आने की चाह उठने लगी है। मां नंदा की उपस्थिति के एहसास में डूबे भक्त झूम रहे हैं, उत्साह और जोश से लबरेज हैं। सभ्यता और संस्कृति की सीमाओं में रहकर जमीन से पैरों के लय में तालमेल कर भावुक मन से आत्मा की तृप्ति में डूब कर विदाई दे रहे हैं। मां नंदा फिर अपने ननिहाल से मायके की ओर जा रही है। ये दृश्य सबके सामने है। जी हाँ, उत्तराखंड की कुलदेवी मां नंदा की लोक जात यात्रा देवराड़ा से सिद्धपीठ करुड़ रवाना हो गई है। देवराड़ा मां नंदा का ननिहाल है, करुड़ मां नंदा का मायका है। मां नंदा की डोली देवराड़ा में 6 माह के प्रवास पर थी। प्रवास संपन्न होने पर डोली करुड़ के लिए रवाना हो गई। अपने अलग अलग यात्रा पड़ावों से होते हुए मां नंदा की डोली 12 जनवरी 2024 को सिद्धपीठ करुड़ में विराजमान होगी। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन के बाद 22 दिसंबर को सुबह मां नंदा की उत्सव डोली को भावुक विदाई दी गई। प्रतिवर्ष लोकजात के रूप में चलने वाली मां नंदा देवी की उत्सव डोली सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 माह प्रवास के बाद 22 दिसंबर को सिद्धपीठ करुड़ के लिए रवाना हो गई। इससे पहले 21 दिसंबर को दोपहर बाद से ही नंदा देवी की डोली के विदाई के मौके पर मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोक गीतों जागर और झोड़े गाकर अपनी अधिष्ठात्री देवी मां नंदा की डोली विदाई को उत्सव रूप में भक्तों ने मनाया। रात्रि जागरण के बाद नंदा की उत्सव डोली अपने अगले पड़ाव सुनाओ के लिए चल पड़ी। वहां से उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए बजवाड़ गांव पहुंचेगी। सिद्धपीठ देवराड़ा से करुड़ को चली नंदा देवी की उत्सव डोली 21 पड़ाव को पार करते हुए 12 जनवरी को सिद्धपीठ करुड़ में विराजमान होंगी। आपको बता दें कि नंदा देवी की उत्सव डोली हर साल लोकजात के रूप में अपने मायके करुड़ से वेदनी के लिए चलती है, जहां वेदनी कुंड में स्नान के बाद डोली के साथ वेदनी तक भेजे गए भक्तों के चढ़ावे को कैलाश को विदा किया जाता है। देवी नंदा की उत्सव डोली विभिन्न पड़ाव को पार करते हुए अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा में विराजमान होती है। नंदा देवी उत्तराखंड की कुल देवी है जिन्हें कई रूपों में पूजा जाता है। इन दिनों नैनीताल अल्मोड़ा समेत अलग अलग स्थानों में मां नंदा की अनवरत पूजा हो रही है। कुमाऊं मंडल के अलावा भी नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य हिस्सों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी है। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। उत्तराखंड की आराध्य देवी नंदा के कई रूप माने गए हैं। जहां वो चंद राजाओं की कुलदेवी मानी गई हैं, वहीं वो पार्वती और सती के रूप में भी पूजी जाती हैं। शैलपुत्री भी नंदा को माना गया है। किंवदंतियों में भी नंदा को नंद यशोदा की संतान कहा गया है। जब नंद यशोदा की 8वीं संतान के रूप में कन्या पैदा हुई तो मामा कंस ने उसे मारना चाहा तो वो उड़कर हिमालय की ओर आ गईं। कहा जाता है कि हिमालय के नंदा कोटी चोटी पर ही नंदा का घर है। इस चोटी में बसी ही मां नंदा है। आज भी लोग नंदा कोट पर्वत को नंदा का निवास मानकर उसकी पूजा करते हैं। नंदा देवी मेला आयोजित करने की उत्तराखंड में प्राचीन परंपरा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 600 साल पहले गढ़वाल से पूजन और मेले का आरंभ हुआ, तो अब तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा।